आज आपने जो नगर परिषद के अध्यक्ष संध्या मालू का पुतला दहन किया है, इसके पीछे क्या कारण है? ये हमने नगर हित के लिए किया है। हमारी जो अध्यक्ष श्रीमती संध्या जी मालू आज 2 वर्ष पूरे होने पे आ गए हैं। अभी तक ना तो हमको उनके नंबर है, ना उनसे बात हो पा रही है। जनता पर गुमशुदा की रिपोर्ट की तलाश है, रिपोर्ट हम इसके लिए थाने में भी जब्त कराएंगे। और हम वो धनबल के आधार पर जो अध्यक्ष जिस प्रकार वो नगर में बने थे, कहीं ना कहीं उसके विपरीत पूरी कार्य प्रणाली हो रही है। 2 साल से अभी तक किसी भी प्रकार का कोई यहाँ कार्य हुआ या नहीं हुआ? कुछ कार्य नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं हुआ। जो कहीं ना कहीं केंद्र शासन की योजना थी, प्रदेश सरकार की जो योजना थी, बस मात्र उन्हीं का विकास हुआ है। इसके अन्यत्र संध्या सुनील मालू की कोई भी विशेष प्रकार की योजना उन्होंने इस नगर को नहीं सौंपी है। 2 साल अंदर आज हमने विकास, 2 साल में अभी तक अध्यक्ष महोदय नगर परिषद में आके बैठी या नहीं बैठी? 15 अगस्त और 26 जनवरी के अन्य नगर परिषद के अध्यक्ष श्री संध्या सुनील मालू कभी यहाँ उपस्थित नहीं रही है। और आगे आगे भी हम निरंतर जारी रखेंगे। मैडम जरा बोलो, नगर में गटर का पानी, पुतला दहन के बाद में आपका क्या धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? बिल्कुल रहेगा। कब तक रहेगा ये? जब तक यह गांव का विकास नहीं होगा, गांव के हित में काम नहीं होगा। कोई भी अधिकारी अगर जब तक हमसे आकर बात नहीं करेगा और पूरी तरह संतुष्ट पूर्वक अगर जवाब नहीं देगा, जब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। फिलहाल नगर की यहाँ स्थिति है कि नगर कीचड़ में है, फिर नगर में कीचड़ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नगर परिषद को नगर परिषद को नरक पंचायत बना दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे जवाबदार व्यक्ति कोई नहीं है। जनता हमको बोलती है, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम किसको बोले। आज इसकी सूचना सीएमओ साहब को मिली या नहीं मिली थी? 2 दिन पहले ही हमने सीएमओ सर को आवेदन दे दिया था, अवगत करा दिया था, कलेक्टर मोदी को करा दिया था, अध्यक्ष मोदी को करा दिया था, सभी को करा दिया था। उसके बावजूद आज नगर परिषद में कोई भी उपस्थित नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।